अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज फिर एक और रेसिपी लेके हाजिर हूँ। आज हम बना रहे हैं पराठा रोल, चिकन पराठा रोल। चिकन की फिलिंग बहुत डिफरेंट तरह से मज़े की करेंगे, और जैसे आम नॉर्मली रोटी के पराठे बनते हैं वो बनाकर, तो उसमें भी फिलिंग की जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप जो है मैदा लिया है। मैयरिंग कप्स थे मेरे पास, उसमें 1.5 कप मैदा मैंने मैयर कर लिया था। और उसके बाद 2 टेबलस्पून मैंने ऑलिव ऑयल डाला है। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। मैंने मेरे पास ऑलिव ऑयल था इसलिए मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ कर लिया। ये मैंने सूजी डाली है, 2 टेबलस्पून सूजी। इसको डालने की वजह से इसके अंदर जो क्रिस्पीनेस आती है, मीन्स पराठा जो है क्रिस्पी बनता है, तो क्रिस्पी अच्छा लगता है। बाकी मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला था, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और पानी के साथ इसको अच्छे तरीके से गूंदे, जिस तरह से आम नॉर्मल घरों के अंदर रोटी का आटा गूंदा जाता है, ना ज़्यादा नरम ना ज़्यादा सख्त। मीन्स हर घर में डिफरेंट तरीके से गूंदा जाता है ना, कुछ लोग ज़्यादा नरम पसंद करते हैं, कुछ लोग हार्ड पसंद करते हैं। हार्ड नहीं, मीन्स थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। कुछ लोग काफ़ी सॉफ्ट, जो हाथों से बनाते हैं रोटी, वो काफ़ी सॉफ्ट आटा जो है वो नीड करते हैं। अच्छा, ये मैंने चिकन ले लिया था, ये बोनलेस चिकन है, पतले पतले से फिलेज हैं इसके। ये तकरीबन जो ट्रे होती है 450 ग्राम की होती है यहाँ पर। तो ये सारा मैंने जो है इसको बारीक बारीक कट कर लिया था, ताकि फटाफट जो है वो कुक हो जाए। ये रेसिपी भी बहुत अच्छी है, आप चाय के साथ इस रेसिपी को भी सर्व कर सकते हैं। हाफ हाफ मीन्स एक पराठा पूरा बनाया चिकन की फिलिंग के साथ, उसको हाफ किया, तो हाफ हाफ भी बड़ा अच्छा फीलिंग हो जाती है। अच्छा, इस तरह से बारीक बारीक सी कटिंग की है मैंने इसकी, चिकन की। इस तरह से मैंने सारा जो है वो कट कर लिया था चिकन को। और बोनलेस चिकन ले लें तो वो ज़्यादा आसानी रहती है। अगर बोनलेस चिकन नहीं मिलता तो आप खुद जो है घर में ला के तो बोनलेस कर सकते हैं। अच्छा, तो अब इसको हम सबसे पहले जो है मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, और ये वाली रेसिपी भी जो है फटाफट से बन जाती है। इसके अंदर जो है ये 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालूंगी। मैंने गत्ते की पैकिंग थी, गत्ते की पैकिंग के अंदर से मैंने इसको निकाल के तो इस शीशी के अंदर सेव कर लिया था। इसमें से मैं ले रही हूँ ये 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर यूज़ करने की वजह से ये बहुत क्रिस्पी सा बनता है चिकन। बाकी ब्लैक पेपर है, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर डाली है, और इसके अंदर कोई रेड चिली नहीं जा रही ना, ये सॉस में पकेगा ना, इसकी सॉस में कोई रेड चिली जा रही है ना मैंने चिकन के अंदर डाली है। इसलिए जो है आप ब्लैक पेपर अगर ज़्यादा यूज़ करें, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें। नमक मैंने डाला था, और अब मैं इसके अंदर 1 एग वाइट जाएगी, फॉल एग नहीं जाएगा, सिर्फ इसकी जो एग वाइट्स हैं वो जाएंगी, जो ये जड़ती है। आगे हम ऑमलेट भी बनाएंगे, ऑमलेट के अंदर फिर ऑमलेट भी लगाएंगे, तो वो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लें। वॉइस ओवर करना इतना आसान नहीं है, बहुत जल्दी सांस चढ़ जाता है बोल बोल के। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके इसको जो है आप 20-25 मिनट्स के लिए छोड़ दें। ये जो चीज़ें आपको इसके इर्द गिर्द नज़र आ रही हैं, ये सॉस में जाएंगी। ये केचप है, विनीगर है, वो स्प्रिंग अनियन है, हरी मिर्चें हैं, और शिमला मिर्च है। अच्छा, आफ्टर 20 मिनट्स मैंने इसको 20 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया था चिकन को। तो अब मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। इसको अच्छी तरह से आप गर्म कर लें। जब ये गर्म हो जाए तो इसके अंदर आप चिकन को ऐड कर लें, वो जो मैरिनेट करने के लिए हम लोगों ने रखा हुआ था। और ये चिकन को इतना देर नहीं लगता, इसको हार्डली तकरीबन 3-4 मिनट्स लगते हैं। ये बड़ी जल्दी टेंडर भी हो जाता है, पक जाता है। अच्छा, स्टार्ट में ये लगेगा नीचे पैन के साथ, क्योंकि इसके अंदर एग वाइट्स हैं, एग वाइट्स जो हैं चिपकते हैं। एग वाइट्स और कॉर्नफ्लोर इसको जो है थिक करेगा। अच्छे तरीके से इसको पका लें। हार्डली 4 मिनट्स मुझे लगे थे, मैंने इसको पकाया था। अच्छा, इसको कुक कर लें 2 मिनट्स के लिए जो है ना, कवर करके। तो 2 मिनट्स के लिए इसको हल्की आंच पे, मीडियम आंच पे भी नहीं, हल्की आंच पे छोड़िएगा, वरना ये सारा नीचे लग जाएगा। तो हल्की आंच पे इसको 2 मिनट्स के लिए पकाया मैंने। और उसके बाद जो है, क्योंकि ये अंदर सब टेंडर हो गया है, तो अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो इसका सॉस का स्टेप आता है। ये अच्छा, इस स्टेज पे आप यूज़ कर सकते हैं सिर्फ इतना, सॉस ना बनाएं आप, सिर्फ इतना चिकन को टेंडर कर लिया है, फ्राई करने के बाद जो है पराठे के अंदर ऑमलेट लगाएं, देन ये चिकन लगाएं, और
केचप और मायनीज लगा के तो आपका पराठा रेडी है। मैंने ये सॉस के अंदर पकाया था इसलिए मैं पराठे के अंदर केचप वगैरह नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं उसको सॉस में ही पकाऊंगी। एक और पैन ले लें, इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डालें। अब हम ये बना रहे हैं इसकी सॉस। इसके 3-4 स्टेप हैं पराठा रोल के, ना 3-4 स्टेप हैं। एक्चुअली ये फ्रेंकी चिकन रोल था तो फ्रेंकी मसाला मेरे पास ख़त्म हुआ हुआ है। मैं कभी सिखाऊंगी वो भी आपको कैसे बनाते हैं, दैट्स वाई मैंने वो यूज़ नहीं किया। तो फिर ऑब्वियसली अगर फ्रेंकी मसाला नहीं यूज़ किया तो फिर इसका नाम फ्रेंकी कैसे रख सकते हैं। तो चिकन रोल की अब मैं जो है ये चिकन रोल ही बना रही हूँ। अच्छा, ये मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर गार्लिक डाला है। गार्लिक डाल अच्छी तरीके से जो है गार्लिक को फ्राई कर लें। जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाए, फ्राई हो जाए, तो फिर हम इसके अंदर केचप ऐड करेंगे। ये फ्राई हो रहा है, फ्राई हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया, उसका कलर चेंज हो गया है। जब इसका कलर चेंज होता है तो इसके अंदर से बहुत अच्छी सी अरोमा आना स्टार्ट हो जाता है। तो जब वो अरोमा आना स्टार्ट हो जाए तो इसके अंदर आप 1/2 कप केचप डालें। आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इतनी ही केचप डालनी है। अच्छा, इसके अंदर हॉट सॉस भी चाहती थी, हॉट सॉस भी मेरे पास ख़त्म हुई हुई थी तो मैंने नहीं डाली। मैंने उसकी जगह हरी मिर्चें डालनी थी। केचप ऐड की, उसको 1 मिनट के लिए पकाएं एंड देन उसके अंदर जो है सिरका डालें। सिरका अगर आपको पसंद है तो कम या ज़्यादा आप कर सकती हैं। मैंने 2 टेबलस्पून सिरका डाला है। अगर बहुत ज़्यादा टेंजी टेस्ट पसंद है तो आप इसको ज़्यादा कर लें, 4 टेबलस्पून भी आप डाल सकती हैं। 2 टेबलस्पून का इतना पता नहीं चलता सिरके का। अच्छा, ये ग्रीन चिलीज़ है। अगर तो बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो ग्रीन चिलीज़ ओमिट कर दें, अदरवाइज़ आप डाल सकते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर रेड चिली पाउडर नहीं डाला और ब्लैक पेपर ही है तो इतना ज़्यादा ये चिली वाला नहीं है, डैट्स वाई मैंने इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ डाली हैं। ये कैप्सिकम है, शिमला मिर्च बारीक बारीक काट के मैंने शिमला मिर्च ऐड की है और ये स्प्रिंग अनियन है। आपकी मर्ज़ी, आप ये दोनों चीज़ें डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो आप मत डालें। किसी भी शेप में आप इसको काट सकते हैं। मैंने जो है बारीक बारीक रखा है क्योंकि ऑब्वियसली फिर पराठे के अंदर से निकल निकल के चीज़ें गिरती हैं, तो दैट्स वाई इसको मैंने बारीक बारीक सा चॉप किया था ताकि इतना ज़्यादा ना निकले। और अब जो बाकी का चिकन है वो फिर हम वो सारा चिकन इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छा, सिरका नहीं है, अगर आपके पास विनीगर नहीं है तो आप लेमन भी डाल सकते हैं। एक बड़ा लेमन जो है ना वो स्क्वीज़ करके वो आप इसके अंदर डाल दें तो उससे टेस्ट भी अच्छा आता है। लेमन डाल लें या सिरका डाल लें, एक ही बात है, दोनों का एक ही काम है। अच्छे तरीके से इसको 1 मिनट के लिए हम कुक करेंगे ताकि वो जितने भी जूसेस और जितने भी स्पाइसेस हमने सॉस के अंदर डाले हैं वो सारे चिकन के अंदर चले जाएं, अंदर तक ऊपर नीचे कोटिंग हो जाए और अंदर तक चले जाए इसका टेस्ट। अब क्योंकि ये सॉस में हमने बनाया है तो पराठे के अंदर लगाते हुए कोई और केचप या मायनीज डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सॉस के अंदर बना हुआ है, तो बड़ा जूसी सा पराठा बनता है और बहुत मज़े का बनता है। इवन ये वाली रेसिपी आप बच्चों को भी दे सकते हैं, इतना मींस ये इतना सा आप रेडी करके रख लें रात को, रात के टाइम मींस इसकी मैरिनेशन, और इसको इवन पका के रख लें। आटा तो गूंदा पड़ा ही होता है फ्रिज के अंदर, और ज़रूरी नहीं है कि आप मैदे की रोटी ही बनाएं, आप आटे की भी रोटी बनाकर तो सुबह के वक्त इसकी मैरिनेशन की और नहीं मैरिनेशन नहीं मींस पका के रखें इसको पूरा कुक करके, इसका जो मटेरियल है वो चिकन का पूरा कुक करके तो आप रख लें, तो सुबह उठ के सिर्फ रोल करें और उसको दे दें, गरम करके उस पराठे के अंदर रोल करें और बच्चों को दें। तो ये बड़ा हेल्दी सा एक डिफरेंट लंच हो जाता है। डेली बेसिस पे बंदा क्या दे लंच बॉक्स में, तो एक रेसिपी ये भी हो जाती है। मैं और भी बहुत सी रेसिपीज़ खाई हैं, जैसे पिन व्हील की रेसिपी मैंने अपलोड की थी, वो भी आप बच्चों को दे सकते हैं लंच बॉक्स में। इसके अलावा मैंने उसकी क्रैप्स की रेसिपी दी थी, वो भी आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, वो फ्रीज़ हो जाती हैं। मैंने पिज़्ज़ा पिन व्हील्स भी फ्रीज़ हो जाते हैं। खैर, अब जितना मैंने 1.5 कप मैंने मैदा लिया था, इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो हैं पराठे नॉर्मल साइज़ के, मैं बिग साइज़ के नहीं बना रही, नॉर्मल साइज़ के इजीली बन जाएंगे। जिस तरह से रोटी बनती है ये नॉर्मली वैसे ही है, पराठा बना लें, इसको रोल करके मैंने तवे पे डाला था, तवे पे इसको अच्छे तरीके से कुक करने के बाद फिर हम इसको ऑमलेट के साथ पकाएंगे। बहुत ही डिफरेंट तो नहीं बनते रहते हैं पराठा रोल, लेकिन इसकी जो मटेरियल है अंदर का
वो बहुत मज़े का और इजीली आसानी से हर चीज़ घर में मौजूद होती है, आप ये कुक कर सकते हैं। अच्छा, ये पराठा बनाया मैंने इस तरह से, 3 4 पराठे मैंने पहले से ही बना लिए हुए थे। उस वक्त मेरे मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी जब मैंने ये पराठे बनाने स्टार्ट किए हैं, उसको मैंने चार्जिंग पे लगाया। अब ये फोर्थ वन था, फोर्थ के फिफ्थ वन था पराठा जो मैंने बनाया। अच्छा, ऑमलेट मैंने 2 अंडे ले लिए थे और उसके अंदर सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप डाल लें। इस तरह से पराठा ऊपर रखें और पराठे के साथ इसको कुक कर लें। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी लगता है ये पराठा रोल और बड़ी आसानी से बनने वाला है, हर कोई बना सकता है, कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्लिंग फिल रखा है मैंने नीचे, आप चाहें तो इसको टिश्यू पेपर में भी रोल कर सकते हैं, बटर पेपर में भी रोल कर सकते हैं। मेरे पास ये क्लिंग फिल था तो मैंने इस तरह से क्लिंग फिल नीचे रखा, पराठा ऊपर रखा और उसके ऊपर जो है मैंने ये फिलिंग डाली अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जितना आपका दिल करता है आप उतनी फिलिंग डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, गरम गरम फिलिंग हो और गरम गरम ही पराठा आपने बनाया हो तो जब आप इसको रोल करेंगे बीच में आप डालें मोजरेला चीज़, मोजरेला चीज़ फिर ये गरम गरम दोनों चीज़ें होंगी ना तो उसी में ही वो मेल्ट हो जाएगी और मेल्ट होने के बाद वो होल्ड कर लेगी। अभी तो ये सामान थोड़ा सा निकल रहा है ना बाहर से, मीन्स अंदर से, बाहर से नहीं अंदर से फिलिंग जो है बाहर निकल रही है, उसको अच्छे तरीके से जो रैप रैप करेंगे तो फिर वो नहीं निकलेगी। दूसरा, जब आप बीच में जो है वो मोजरेला चीज़ डालेंगे तो मोजरेला चीज़ इस सारी फिलिंग को होल्ड कर लेगी। तो ये मज़ेदार सा जो है पराठा रेडी है। मैंने ये एक पराठा रोल करना बताया था, इसके बाद एक और। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अल्लाह हाफिज़।